सर्विस कर रहे हैं प्लग खोलते हुए, नज़र आ रहे हैं आपको, देखिए काजू है, बादाम है, किशमिश है, देखिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो माय यूट्यूब चैनल, तो फ्रेंड्स कैसे हैं, उम्मीद है आप सब सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स नए ब्लॉग में आपका सभी का वेलकम है। आज मैं आया हूं फ्रेंड्स, जो हमारे यहाँ मैकेनिक का जो गाड़ी का काम होता है वो होता है हल्द्वानी में। तो चलिए आज जो अपने मैकेनिक से मिला था, और हमारे रिजवान भाई मिले यहाँ पे, इन्हें जो हमारे रोज़ा लग गया बहुत ज़्यादा। वालेकुम सब भाइयों को। तो इन्हें रोज़ा लग गया बहुत ज़्यादा, तो मैं भी, मेरा तो रोज़ा है नहीं, मैंने रखा नहीं, क्योंकि मैं रात को 3 बजे उठ के कहीं चला गया था। तो अभी वापस में वापसी में आया, तो मैं अपनी गाड़ी में सर्विस करा रहा हूँ। तो यहाँ का जो प्रेम टाकी से उसके बराबर में हमारे आतिक भाई हैं, बहुत अच्छा मैकेनिकी काम करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस वगैरह गाड़ी वाड़ी में आपको करवाना है, डेंटिंग वेंटिंग सारे काम जो हैं आपके यहाँ पे हो जाएंगे, और रेट भी कम लगेंगे और काम भी एकदम बढ़िया सर होता है। तो चलिए तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से काम हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं बैक कैमरा करके। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हमारे जैद भाई जो है हमारी गाड़ी की सर्विस कर रहे हैं, तो ये देखिए कितने देखिए, तो ये हमारी वैगनार है। तो भाई साहब जो है दे अभी, तो जैद भाई अभी क्या खोल लो? हाँ भाई जैद भाई अभी क्या खोल लो? तो अभी जैद भाई जो हमारी सर्विस कर रहे हैं प्लग खोलते हुए, नज़र आ रहे हैं आपको, देखिए। तो ये हमारे जो हैं आतिक भाई हैं, उनके शागिर्द हैं, और जो हमारे आतिक भाई की जो है बहुत तबीयत खराब है। फ्रेंड्स आपको और जो है नैनीताल का बाजार बाजार भी दिखाएंगे आपको, आज नैनीताल का मार्केट भी दिखाएंगे। तो आपको जो मैंने सोचा फिर यहीं से स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो ये आपका जो प्रेम टाकिस के पास में ही है गाइस, आपको सारे एक काम आपको गाड़ी का मिल जाएगा, डेंटिंग का, सर्विस वगैरह जो भी आपको करवाना है तो यहाँ पर करवा सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, लेके चलते हैं आपको आगे की ओर। मैं आ गया हूँ मटर गली में, तो मटर गली में अभी एंट्री करने वाला हूँ। यहीं पे जैसे हमारा बस अड्डा, हल्द्वानी बस अड्डा, जहाँ से आपको पूरे पहाड़ की गाड़ी मिलती हैं, पहाड़ की क्या यूपी वगैरह लखनऊ साइड में, यूपी में कहीं पे भी, दिल्ली विल्ली की, हर तरह की, हर जगह की गाड़ी मिलती हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ की मटर गली, जो बहुत ही फेमस है यहाँ की हल्द्वानी की, जहाँ पर बहुत बढ़िया कपड़ा मिलता है, जींस वगैरह भाई अच्छी क्वालिटी में, अच्छे ब्रांड मिल जाता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं बस अड्डे के साथ मटर गली भी, आपका बस अड्डा जहाँ से आपके पूरे उत्तराखंड की, पूरी यूपी की, दिल्ली की, हरियाणा की, हर जगह की गाड़ी मिलती है। और यहाँ पे देखिए काफ़ी भीड़ लगी है। तो चलिए आगे गोल लेके चलते हैं आपको मटर गली में। तो यहाँ का जो है मटर गली बहुत ही फेमस आइटम मिलता है, बढ़िया आइटम। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी लगती है गाइस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा जो जेंट्स से ज़्यादा आइटम मिलता है, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा जेंट्स वगैरह वो घूमते हुए मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे काफ़ी चल चाल है, रमज़ान का महीना चल रहा है माशाल्लाह से, और काफ़ी पब्लिक भी नज़र आ रही है शॉपिंग करते हुए अपना ईद की खुशी में। ईद जो है अपना नज़दीक आ चुकी है, तो 6-7 दिन रह गए हमारी ईद को। तो ये देखिए, अरे मेरी बात तो मैं पसंद से करूँ और कुछ लेना चाहिए। अरे एक चीज़ बस, तो कुछ दुकानें जो हैं काफ़ी खाली हैं, और कुछ दुकानों पे ज़्यादा ही भीड़ है। तो जहाँ पे ज़्यादा आइटम जिस दुकान पे अच्छा मिलता है तो वहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, और जहाँ पे आइटम कम अच्छा मिलता है तो वहाँ पे कोई पर्यटक नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे जो है कस्टमर है दुकान में, और इस दुकान में भी काफ़ी कस्टमर हैं देखिए, और इनकी शॉप का नाम देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए।
और जो है काफी भीड़ है गाइस यहाँ पे, तो देख ही रहे हैं फ्रेंड्स कितनी पब्लिक नजर आ रही है यहाँ पे। और ये देखिए ईद की शॉपिंग चल रही है भाई लोगों की। तो फ्रेंड्स ये है आपका जो है हल्द्वानी बस अड्डे में है। हल्द्वानी में जैसे आप एंट्री करेंगे तो आपको मेन रोड से थोड़ा सा अंदर को जाना पड़ेगा बस स्टैंड के दूसरे गेट पे बस अड्डे के, तो वहीं पे आपको सब आएगा। तो लेके चलते फ्रेंड्स आपको लस्सी पिलाते हैं बढ़िया सी, जो यहाँ की बहुत बढ़िया सी फेमस लस्सी है। तो ये देखिए शॉप है लस्सी की, बहुत ही फेमस लस्सी है यहाँ की। आप हल्द्वानी आएंगे तो यहाँ पे लस्सी ज़रूर पी के जाइएगा। और ये देखिए तो गाइस ये आ गई हमारी लस्सी, और देखिए तो आपको दिखाते हैं थोड़ा सा बढ़िया सा। तो बहुत ही टेस्टी लस्सी है, तो देखिए इसमें क्या क्या डाला है ये भी देखिएगा। ये देखिए काजू है, बादाम है, किशमिश है, तो देख रहे हैं आप बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चलिए पी के दिखाते हैं आपको थोड़ा सा और नज़ारा हल्द्वानी का मेट्रो गली का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर में, बने रहना, डटे रहना वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने जो है लस्सी पी चुका हूँ, तो आपको आगे कॉल लेके चलते हैं। तो ये हमारा जो मेट्रो गली के एंड में है मार्केट वगैरह, तो चलिए आगे चल के देखते हैं क्या क्या है आगे। तो देखते रहिए, बने रहिए हमारी वीडियो में, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी हल्द्वानी मटर गली की भी। तो देखिए यहाँ पे जो है 6-7 दुकानें अपने लस्सी की शॉप वगैरह। तो मैंने जो है सबसे पहले लस्सी में ये देखिए गाइस। तो चलिए आपको आगे को लेके चलते हैं और थोड़ी जानकारी देते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया ऐसे शूज़ वगैरह मिल रहे हैं। और ये लगातार 6-7 दुकानें हैं शूज़ की। तो ये देखिए गाइस, तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स आगे की ओर आपको लेके, और एक बहुत बढ़िया सी जगह आपको लेके चलता हूँ, एक टायरों की शॉप पे, जहाँ पे एक बेचारा। हम हल्द्वानी से पहुँच गए हैं नैनीताल के मालोड, और मालोड में जो हमने अभी देखी जो बने, तो एक यहाँ पे रेस्टोरेंट है वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन, और वहाँ पे जो है आपका रे बरेली के पास में ही है। और यहाँ पे जो मिलती हैं अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट में इमरती में हिंदी में जलेबी भी बोलते हैं, इमरती भी बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ इमरती कैसे बन रही है। तो ये देखिए गाइस, ये बन रही है हमारी इमरती। तो ये जो है ये हमारे लिए पैक हो रही हैं, और ये भाई साहब बहुत हंस रहे हैं दोनों। इनका राज क्या है हंसने का ये समझ में नहीं आ रहा मेरे, ये हंस क्यों रहे हैं दोनों। तो देखिए फ्रेंड्स, और बहुत ही बढ़िया से बना रहे हैं हमारे भैया। ये देखिए तो ये देखिए, तो आपने नैनीताल में सब कुछ देखा होगा, इमरती नहीं देखो कि मैं आपको पहली बार ब्लॉग में इमरती दिखा रहा हूँ। तो ये है वेजिटेरियन रेस्टोरेंट अन्नपूर्णा, ये देखिए। और यह है आपके अपर मालोड पे, ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और ये हमारा भाई बैठा हुआ है, क्या हाल है, बढ़िया है, सही चल रहा है इमरती। और देखो ये भाई सब बना रहे हैं, बार फिर दिखाता हूँ बनाते हुए, देखिए। Thank you.
चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, तो कल देखते हैं कहाँ पे बढ़िया जगह मिलता है, कोई वेदर मिलता है या कोई अच्छी जगह मिलती है, तो फिर आपको मिलते हैं वहीं पे। तो टेक केयर, अमान भाई के साथ। ये अपनी एवेंजर है, तो इसमें देखिए क्या लिखा है। ये देखिए फ्रेंड्स, माय यूट्यूब, ठीक है चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग को बाय बाय कर, चलो बाय बाय बाय, टेक केयर।